वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस जो पूरे देश में फैल चुका है, इससे काफ़ी लोग दहशत में हैं। चारों ओर अभी इस भयावह बीमारी से डर का माहौल बना हुआ है। नमस्कार, मैं अर्चना, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। अभी हम इसी लाइलाज बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, कोरोना वायरस किस तरह से पूरे देश में फैल चुका है और यह भयावह स्थिति आ गई है कि हर कोई डर रहा है, हर कोई में दहशत है इस लाइलाज बीमारी को लेकर। तो अभी हमारे साथ मेरे सहयोगी आकाश है, उनसे जानते हैं कि इस बीमारी का सुनने में आ रहा है कि भारत में भी आ गया है और कई ऐसे केसेज अभी पाए गए हैं जो इस संक्रमण को पाया गया है कि कई लोग इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। तो आकाश, अभी सुनने में आ रहा है कि ये कोरोना वायरस भारत में भी आ गया और इससे कई लोग संक्रमित हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो स्वागत है आपका आरभट न्यूज में। ये मामला ये है कि जो दो तीन दिन से देश में दहशत का माहौल है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत में अभी विगत एक दो दिन में कोरोना वायरस का बहुत सारा केस देखने को मिला है। इससे पहले 3 केसेस थे जो केरल में हुई थे और उसका उन तीनों का इलाज करके उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन तत्कालीन मामला ये है कि दिल्ली, जयपुर और तेलंगाना में कुछ केसेज मिले, यहाँ तक कि यूपी से भी कुछ केसेज आ रहे हैं। इन सब के कारण देश में दहशत का माहौल हुआ है कि इटली से एक व्यक्ति दिल्ली आए थे। दिल्ली आने के बाद उन्होंने एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज किया जिसमें कुछ लोग इन्वाइट हुए थे जो आगरा से थे, उन लोगों में भी ये वायरस का संक्रमण देखने को मिला है। और सबसे ताज़ा खबर ये है आज का, अर्चना मैं आपको बताना चाहूँगा कि 21 लोग जो इटली से पर्यटक के रूप में भारत आए थे उनका जांच किया गया है, जिनमें 15 लोगों को, जी हाँ 15 लोगों को कोरोना वायरस पॉजिटिव बताया गया है। उन्हें दिल्ली के ITBP के छावरा के कैंप में स्पेशल इंसुलेशन पे रखा गया है, आइसोलेशन पे रखा गया है उन्हें। इन सब कारणों में देश में थोड़ा डर का भय का माहौल है, लेकिन मैं आर्यभट्ट न्यूज के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पैनिक ना करें, सतर्कता बरतें, बहुत सारी सावधानियां हैं, प्रिकॉशंस हैं जो कि हम आज इसीलिए यहाँ पे मौजूद हुए हैं कि आपको बता सके कि क्या करना है। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कुछ सावधानी बरतने के लिए लोगों को बोला है, वो सब चीज़ आपको बताया जाएगा। जैसा कि आकाश आपने बताया कि इस बीमारी को भारत में भी बहुत पाया जा रहा है, इस संक्रमण को पूरी तरह से भारत में भी अब फैलने लगा है और साथ ही कई देश में भी फैलने लगा है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि भारत सरकार अभी क्या कर रही है इस बीमारी के लिए, क्या कुछ यहाँ उपाय के तौर पे सरकार ने लाया है? जैसा कि आपने पूछा कि यह संक्रमण जो फैला है तो भारत सरकार इस पे क्या कदम उठाई है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले भारत सरकार जितने भी 12 देशों में मुख्यतः फैली थी, जो ज़्यादा जो संक्रमित क्षेत्र है, देश है, वहाँ से जितने भी लोग आ रहे हैं उनका स्पेशली स्क्रीनिंग किया जा रहा है। आपको एयरपोर्ट्स पे जितने भी सार्वजनिक स्थल है वहाँ से लोगों को बचने के लिए कहा जा रहा है। और अभी आज जो मैंने बताया कि 15 लोगों जो इटली के आए थे, 15 लोग उन जो पॉजिटिव पाए गए थे उनके लिए अलग छावनी का व्यवस्था किया गया, तो इसी तरह के बहुत सारे चीज़ें। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल एक बैठक बुलाई जिसकी उन्होंने अपनी तरह से जायजा लिया कि इसका क्या लोगों पे मतलब कितना ये फैला है क्या है, उस जायजे में उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया कि आप लोग धैर्य बना के रखें, सतर्कता रखें और इस पर पूरी तरह से सरकार आपके साथ है। और रही बात कि ये कितना फैला है क्या फैला है, तो आपको मैं कुछ डाटा बताना चाहूँगा कि अब तक लगभग 3143 लोगों की इससे मृत्यु हो चुकी है, जिसमें 2973 लोग का मामला सिर्फ चीन से आया है, मतलब 2973 लोग चीन में मारे गए हैं। यहाँ तक कि 6 लोग आप अमेरिका में भी इससे इस वायरस के कारण मारे जा चुके हैं। भारत में ताज़ा अभी जो आज का अभी लेटेस्ट अपडेट है, 28 लोगों में ये वायरस की पुष्टि की जा चुकी है। तो इन सभी को देखते हुए ये अभी तक, जैसा कि आपने पहले भी कहा है कि ये लाइलाज है, तो वायरस लाइलाज है क्योंकि अभी तक इसका कोई एंटीडोट तैयार नहीं किया गया है। हमारी सरकार चाहे बहुत सारे लोग हैं सो इस बहुत सारे देश इसके एंटीडोट बनाने पे है, तो अब बात ये आता है कि इससे बचाव कैसे किया जाए। तो बचाव के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस जो WHO ने लोगों को सुझाव दिए हैं कि आप ये सब चीज़ करें, जिसमें है कि आप सार्वजनिक स्थानों से जाने से बचें, भीड़ भाड़ जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पर जाने से बचें।
आपसे पूछना चाहूंगी कि इस संक्रमित बीमारी, संक्रमित वायरस जो फैला हुआ है, लोगों को आप क्या बताइएगा कि इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है, इसके बचाव कैसे कर सकते हैं, लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं? जैसा कि आपको बताऊं कि हमारे आज इस वीडियो का सबसे बड़ा मोटिव ही ये है कि लोगों तक जागरूकता पहुंचाना। तो इसको किस तरह से, इससे बचाव किया जाए, क्या इसका इलाज है नहीं है, बहुत सारी क्वेश्चंस लोगों के मन में है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि लोग पैनिक ना करें, किसी तरह के घबराहट में ना आए। इसका इलाज सच, कोई एंटीडोट तैयार नहीं हुआ है, बहुत सारे देश इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन इसका सतर्क, एक कहा जाता है ना, सतर्कता ही बचाव है। तो जितने सतर्क रहेंगे उतना है। इसके लिए WHO ने कुछ चीजें बताई हैं कि जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, उससे इसके, इस संक्रमण से हम बच सकते हैं। जैसे उसमें है, हाथ को साफ से धोना है, बार बार धोना है। दूसरी चीज है, छींकने खांसने वक्त आप रूम टिश्यू पेपर का यूज करें। इसका लक्षण भी यही है कि खांसी, जुकाम या फिर फीवर है, तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो ये सब चीज है। दूसरी बात, अपने हाथों से अपने नाक, अपने चेहरे, कान वगैरह को ना छुए, क्योंकि ये सब आपके वाहक हो सकते हैं, आपको में वायरस फैला सकते हैं। हाथ में, जैसा कि बताया जा रहा है कि 15 मिनट तक ये वायरस आपके हाथ में रहता है, तो अगर हम बार बार अच्छे से हाथ धोते हैं तो इसको, वायरस को हम धो के ही मिटा सकते हैं। तो यही सब चीज है जिसपे हमें ध्यान देना हो। और सबसे बड़ी बात, हमें पैनिक ना करनी है। जो हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इससे ताकि उन लोगों में ये अवेयरनेस आए कि किस तरह से इसका बचाव है, बच्चों को इसके बारे में बताएं। असल में अवेयरनेस बहुत जरूरी है, विद्यालय में, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, और इन सब चीज़ों में ये लोगों को इसके बारे में बताएं, वर्कशॉप्स लगाएं, कि लोग, जितने ज़्यादा लोग इसके बारे में जागरूक होंगे ना, उतनी अच्छी तरह से इसके बारे में हम इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। जैसा कि आकाश आपने बताया कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, घबराए नहीं, पैनिक ना हो, लोगों को जागरूक करें, क्योंकि जागरूकता ही सबसे पहले इस बीमारी की बचाया जा सकता है, इस बीमारी से, क्योंकि संक्रमित बीमारी है, ये फैलता है छूने से, खांसने से, छींकने से। वहीं आपको बता दूं कि आप जब भी सार्वजनिक जगह पे जा रहे हो तो मास्क का यूज जरूर करो, क्योंकि मास्क लगाना जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि सार्वजनिक जगह पे सबसे ज्यादा ये बीमारी फैल सकता है, क्योंकि एक दूसरे के खांसने छींकने से तो बढ़ता ही है। तो वैसा ही हमारे सहयोगी ने बताया भी कि इससे बचाव किया जा सकता है, इन कुछ चीजों को अपनाकर, अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में इन चीजों को अपनाकर हम लोग इससे बच सकते हैं। जैसे कि हाथ धोने की बात हुई, तो जैसा कि आकाश ने कहा था कि हाथ अच्छे से धोना चाहिए, जैसा कि मैं बता दूं कि कम से कम 15 सेकंड तक हाथों को रगड़िए, क्योंकि बस हाथ धो लेने से ये बीमारी का अंत नहीं हो सकता है, कम से कम हाथ को रगड़ना होता है, क्योंकि रगड़ कर धुलिएगा तभी ये संक्रमण आपके हाथों से जाएगा। और साथ ही मास्क लगाइए, उसके अलावा घबराइए नहीं, बहुत सारी ऐसी जो बातें हैं वो जागरूक होना भी जरूरी है, लोगों को जागरूक कीजिए, संशय नहीं फैलाइए। तो ये तो हुई बचाव की बात, लोग इससे बच सकते हैं, अगर वो खुद सतर्क होंगे तो लोग बच सकते हैं। लेकिन आकाश, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि अब ये बीमारी जो है बिहार तक में आ गई है, बिहार में भी दस्तक दे चुकी है, और एक दो मरीज PMCH में भी सुनने में आया है कि अभी आ गए हैं, तो बिहार में भी आ गई है ये, इससे बिहारियों को क्या दिक्कत होने वाली है? सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे पूरा विश्व इससे अभी अछूता नहीं है, इस वायरस से पूरे विश्व में ये लगभग 77 देशों में ये फैल चुका है, और विगत 10 दिनों में 35 देश हैं जिसमें ये वायरस फैला है। रही बात बिहार की, तो बिहार में लगभग 121 आदमी संदिग्ध हैं, जिनकी निगरानी रखी जा रही है, उनका टेस्ट वगैरह किया गया था, लेकिन एक भी केस ऐसा नहीं है जिसमें पुष्टि हो कि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव है। तो अभी तक बिहार में दस्तक नहीं दिए, लेकिन आपके बगल में UP हो गए, चाहे भारत में बहुत सारे केस, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अभी तक 28 लोग इस संक्रमण के कारण भारत में संक्रमित हैं। तो बिहार बचा हुआ अभी तक तो है, लेकिन आगे रहेगा ये नहीं कहा जा सकता। और अभी एक ताज़ा मामला है कि PMCH में कल या परसों एक थाईलैंड से एक आदमी पर्यटक घूम के आए थे, जिनका जांच लिया गया है, और उसको जांच के लिए उनके ब्लड को पुणे भेजा गया है। बिहार में अभी ऐसे लोग नहीं पाए गए हैं, बिहार में अभी स्थिति सामान्य है, लेकिन जैसे जिस तरह से पूरे देश में ये बीमारी फैल रही है, कभी ना कभी बिहार में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसके लिए लोगों को जागरूक होना होगा। ये तो हुई बिहार की बात। भाई मैं आकाश आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या चीन के जैसी स्थिति हमारे भारत में भी हो सकती है? देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि क्या स्थिति होगी, क्या, क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा है, लेकिन मैं ये बहुत कह सकता हूँ कि भारत
में चीन जैसी स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि भारत पहले से अवेयर है इस वायरस के बारे में, भारत को पहले से पता है। हमने 3 केसेस जो शुरू में केरल में आए थी उसे बहुत अच्छे से सॉल्व किया, वो तीनों पेशेंट अब डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके, अपने परिवार के साथ है। चीन में स्थिति इतनी खराब होने का सबसे बड़ा रीजन था कि जब तक उस वायरस के बारे में चीन को पता चलता तब तक वहां की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। लेकिन भारत इसके बारे में या फिर बहुत सारे देश जो अभी तक जिसमें वायरस का प्रकोप नहीं गया, जो आगे अगर मान लीजिए जाता भी है तो वो उसके लिए अवेयर रहेंगे, जैसा हमने बताया कि क्या क्या करना है उससे बचाव के लिए। तो भारत को पता है कि ये वायरस क्या है, इसका लक्षण क्या है, इसका प्रिकॉशन क्या है। तो ये सब चीज़ भारत को पहले से पता है, हमारी सरकारें इस पे जमकर काम कर रही है। जगह जगह जितने एयरपोर्ट्स हैं सब जगह स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। आपको बता दें कि नेपाल सीमा पर भी जो लोग आ जा रहे हैं उनका भी स्क्रीनिंग हो रहा है। तो ये सब चीज़ जो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि भारत में ये स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। और यही हमारी प्रार्थना भी है कि भारत को ये ना हो और जल्द से जल्द चीन भी अपने जो इसे आप प्राकृतिक आपदा भी कह सकते हैं, वो आपदा से जल्द से जल्द उभरे। जी आकाश, ये तो हुई कि सरकार इस पे काम कर रही है, सरकार बहुत ऐसे काम कर रही है इस बीमारी को लेकर। सबसे बड़ी बात कह दूं कि चीन ने जैसे ही कहा था, जो चीन में हमारे भारत के नागरिक रहते हैं, कहा था कि अपने भारतीय लोगों को ले जाइए अपने देश से, तो उस टाइम हमारी सरकार ने खास करके इन स्पेशल विमान भेजा था चीन में और वहाँ के लोगों को लेकर आई थी। तो मैं इस पे यही पूछना चाहूंगी आकाश की, जो संक्रमित व्यक्ति है, क्योंकि ये छूने से भी फैलता है, सांस लेने से भी फैलता है, आसपास बैठने से फैलता है, तो कहीं ना कहीं वहां से लोगों को लाना, इस पहल पे आप सरकार की अच्छी पहल कहिएगा कि खराब पहल कहिएगा? क्योंकि वही कई देश ऐसे भी हैं, जैसे हमारे पड़ोसी देश को देख लीजिए, पाकिस्तान को, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं अगर वो संक्रमित है या वहाँ अगर बीमार कोई व्यक्ति है तो उन्हें मैं अपने देश में नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि अगर वो बीमार है, अगर मौत आनी है तो वो वहीं मर जाएंगे, हम अपने देश में इस बीमारी को नहीं फैला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत में, भारत के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो पूरे यात्रियों को जो चीन में रहते हैं उन्हें वो स्पेशली लाते हैं और उनका इलाज करवा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए खतरा है क्या? नहीं, मैं इस पे आपकी बातों से एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि आप देख लीजिए जितने भी लोग एयरलिफ्ट करके लाए गए उनके कारण भारत में वायरस नहीं फैली है। वायरस फैलने का बहुत दूसरा कारण था, और एक सच्चा आप कहे एक लीडर वही है जो मुश्किल के टाइम में अपने देश के साथ रहे, अपने देशवासियों का के हर समस्याओं के साथ जुड़ा रहे। जब चीन ने साफ शब्द में सारे देशों से कह दिया था कि आप अपने अपने देशवासियों को वहाँ से ले जाएं, हम उनका इलाज नहीं करेंगे, तो नरेंद्र मोदी या भारत सरकार ने एक अपने सही लीडरशिप का उदाहरण पेश करते हुए अपने साथ साथ अपने कुछ पड़ोसी मुल्क के नागरिकों को भी एयरलिफ्ट करके भारत में लाया था। तो ये रहे पाकिस्तान की अपनी सोच है, उससे जो सही लगा वो किया, लेकिन मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि जो हमारी सरकार ने किया, क्योंकि हम सरकार इसीलिए चुनते हैं क्योंकि हमारे गलत वक्त या हमारे आपदा की स्थिति में सरकार हमारे साथ रहेगी, और नरेंद्र मोदी जी ने वही किया है हमारे लोगों को लाकर, और इससे ये वायरस का खतरा नहीं फैला है। वायरस का जैसे मैंने आपको बताया कि इटली से एक व्यक्ति आए, उन्होंने जो किया इन सब कारण से हुआ है, तो ये उसका मैटर नहीं है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है लोगों के सामने कि मुसीबत के वक्त में भी हमारी सरकार हमारे साथ खड़ी है। जी आकाश, जैसा कि आपने कहा कि मुसीबत में भी हमारी सरकार हमारे साथ खड़ी है, और उसी का ये एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री ने पेश किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी जो इस कोरोना वायरस की वजह से हमारे व्यापार पे या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे चीन से या हमारे देश में व्यापार की स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है, भयावह हो चुकी है, काफ़ी चीज़ों पर इसका असर पड़ रहा है। वहीं आपको बता दूं कि मेडिसिन जैसी चीज, जो रॉ मटेरियल होती थी चीन से, वो भी भारत आती थी, उस पर भी आयात निर्यात सभी पे बैन लगा दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीमारी को देखते हुए सरकार सतर्क है। और जिसकी वजह से आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी है उस पर भी मतलब कि आना जाना बंद हो गया है, तो कहीं ना कहीं कीमतें भी बढ़ रही है। तो इससे भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा, जो ऐसी स्थिति हो गई है हमारे देश में, जो बिजनेस का पूरा जो होता है कि आना जाना बंद हो जाना चीन से, जबकि सबसे ज़्यादा हम कहा जाता है कि चीन से व्यापार किया जाता है भारत से। देखिए, इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है कोरोना वायरस के कारण, हमारे आर्थिक स्थिति पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है। भारत में जितने भी मेडिसिन है उसका मोस्टली पार्ट, उसका जो कच्चा पदार्थ है वो चीन से लाया जाता था, उसके आयात पे रोक लग गई। दूसरी बात, बहुत सारे आपने जैसे गैजेट्स की बात की जो चीन से आते थे, उन सब पे भी थोड़ा असर पड़ा है मार्केट में।
तो इस सब चीज को लेकर कि अब दवा तो बन नहीं रही है, अब हमारे देश में भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो भारत सरकार ने कल एक उनकी जो स्वास्थ्य मंत्रालय की एक मीटिंग हुई थी जिसमें भारत के पैरासीटामोल जैसे दवा को के सहित 26 दवाइयों का निर्यात पर भारत सरकार ने रोक लगा दिया। जी हाँ, 26 दवाई जिसकी ज़रूरत भारत को पड़ सकती है, जिनका अभी उत्पादन नहीं हो पा रहा है कच्चे माल मिलने के कारण, तो उन सभी दवाइयों के निर्यात पर रोक लग गया है। और संक्रमण को और ज़्यादा भारत में ना आए इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत सारे देश जो संक्रमित है वहाँ का तत्काल वीज़ा कैंसिल कर दिया गया है, अभी वहाँ से किसी तरह का वीज़ा का काम नहीं हो रहा है। अभी इटली के जो 15 लोग आए थे जो संक्रमित है, 21 लोग आए थे जिसमें 15 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, तो इटली से भी वीज़ा कैंसिल कर दिया गया है। अगर कोई लोग जिनको बहुत जल्दबाजी है आने का, या तो उनको फिर से भारतीय एम्बेसी जानी होगी, फिर से वीज़ा वगैरह अप्लाई करना होगा, तो ये सब चीज़ है जो अभी तो नुकसान तो है हमारे आर्थिक पे। हमारे आपको बता दें कि आरबीआई ने भी एक लोगों के लिए मैसेज निकाला है कि आप निश्चिंत रहें, किसी तरह के भी आर्थिक स्थिति को निपटने के लिए आरबीआई आपके साथ है, वर्ल्ड वित्त कोष भी आपके साथ है, उन्होंने भी कहा कि सभी देश के साथ हम हैं। तो ये सब चीज़ आप पॉजिटिव वे में इसको ले सकते हैं कि सब लोग हमारे साथ खड़े हैं, तो पैनिक करने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी आकाश, जैसा कि आपने कहा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और हमारी सरकार को अभी नुकसान तो होगी लेकिन उससे भी निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश तो हमारी सरकार कर ही रही है। ये इतनी ही खतरनाक बीमारी है जिससे लोगों को तो जागरूक होना होगा, पूरे देश को इस भयावह बीमारी से लड़ना होगा, क्योंकि कहते हैं कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, किसी भी चीज़ से जब तक लड़ेंगे नहीं उसका अंत नहीं होगा। और मैं यही कामना करूंगी कि ये बीमारी का जल्द से जल्द इलाज हो। जैसा कि हमारे सहयोगी आकाश ने बताया कि इससे कैसे बचा जा सकता है, हमारी सरकार इस पर क्या काम कर रही है, साथ ही व्यापार पर इसका क्या असर पड़ा है, तो वही लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को बचाव करना ज़रूरी है, तो लोग सतर्क रहें, घबराए नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लाएँ और लोगों को जागरूक करें कि डरे नहीं इस लाइलाज बीमारी से बचने के लिए। हाँ, तो अब अवेयरनेस कैसे फैलेगी ये ज़रूरी है कि लोगों को एक दूसरे से बताना चाहिए। जो हमने आप अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से जो संदेश दिया है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, गांव, कस्बे, शहर, सब जगह ये पहुँचना चाहिए ताकि लोग इसके बारे में समझे, पैनिक ना करें और सतर्कता के साथ इस बीमारी से पूरा देश मिलकर लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद मैं करना चाहूँगी, और इसी के साथ मैं कहूँगी कि लोग इस वीडियो को बहुत से बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि हर जगह यह पहुँचे और लोग जागरूक हों। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे विदा लेती हूँ। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे आर्भट न्यूज़ को YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें, साथ ही बगल में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, साथ ही इंस्टा और ट्विटर को फॉलो भी कर सकते हैं। जल्दी शेयर कीजिए और लाइक कमेंट देते रहिए आर्भट न्यूज़। नमस्कार, धन्यवाद।